गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अलोंग विद यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 9th, चैप्टर 9th, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत बार फाइनल एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप देख सकें कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें कैसे सोल्व करने हैं। दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² एंड ए मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 m/s². व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, वॉट इज दिस, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² एंड ए मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 m/s². व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को देखें। वो कह रहा है कि आपके पास दो मासेस हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m2। इस मास m1 को हम एक्सेलरेशन देते हैं। जब इस बॉडी जिसका मास m1 है इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, कितना फोर्स, दैट इज 5 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन फोर्स हम इस बॉडी पे जिसका मास m1 है हम अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी और वो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास 10 m/s². इसी तरह सिमिलर मैनर से जब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाएगा, सेम अमाउंट का फोर्स, दैट इज 5 न्यूटन, तो इसके अंदर आपकी एक्सेलरेशन आएगी, दैट इज a2, वो होगी 20 m/s². दोबारा सुने, ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, वो कह रहा है कि इसके ऊपर मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 10 m/s². इसी तरह सेकेंड बॉडी जिसका मास है m2, उस पर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 20 m/s². वो कह रहा है कि अगर इन दोनों मासेस को कंबाइन कर दिया जाए, सपोज अगर मैं इन दो मासेस को, दिस इज द फर्स्ट मास हैविंग द मास इससे m1 एंड दिस इज द सेकेंड मास हैविंग द मास इससे m2, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं और एक फोर्स 5 न्यूटन का इसके ऊपर अप्लाई करूं तो बताओ कि कितनी एक्सेलरेशन इस पे प्रोड्यूस होगी। दोबारा सुने, ये एक पहली बॉडी है जिसका मास है m1, इस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है कितना, 5 न्यूटन, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 10 m/s². इसी तरह ये सेकेंड बॉडी है जिसका मास है m2, इस पे भी फोर्स अप्लाई किया जाता है कितना, 5 न्यूटन, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो कितनी है, 20 m/s². वो कह रहा है कि अगर इन दो बॉडीज़ को जिनके मासेस m1 और m2 हैं अगर आप बांध देते हैं, टाई कर देते हैं और सेम ही 5 न्यूटन का फोर्स अगर इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करेंगे फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1, तो यहां से आपके पास M1 आएगा, दैट इज F1 बाय A1, F1 बाय A1. नाउ व्हाट इज F1, दैट इज 5 न्यूटन, व्हाट इज A1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5 केजी. तो पहली बॉडी का मास कितना था, 0.5 केजी. सिमिलरली अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू बॉडी टू, टू सेकेंड बॉडी, हैविंग द मास इज से एम टू. अब हम क्या करेंगे, फिर सिमिलर मैनर से न्यूटन का सेकेंड लॉ इस बॉडी पे अप्लाई करेंगे जिसका मास है एम टू. तो क्या बनेगा आपके पास, एफ टू इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू. एफ टू कितना बना, एम टू इंटू ए टू. नाउ व्हाट इज एम टू, दैट इज एफ टू बाय ए टू. नाउ व्हाट इज एफ टू, एफ टू इज अगेन सेम, दैट इज 5 न्यूटन. दिस इज बिकॉज F1 is equal to F2 is equal to 5 Newton upon A2. Now what is A2? That is 20 meter per second square. So M2 comes out to be 5 by 20, 1 by 4 kg means 0.25 kg. इसका मतलब इस बॉडी का जो मास आया वो आया 0.5 kg. इस बॉडी का जो मास था वो था 0.25 केजी. अब इन दोनों बॉडी को हमने क्या कर लिया, टाई कर लिया. तो नेट मास कितना बना आपके पास, एम वन प्लस एम टू मीन्स 0.5 केजी प्लस 0.25 केजी, दैट इज 0.75 केजी. अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को बांध लिया. तो दोनों के मास जब ऐड हुए तो मास बना 0.5 प्लस 0.25, दैट इज 0.75 केजी. तो व्हेन दी टू बॉडीज ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू आर टाइड टुगेदर, then the new mass is m1 plus m2, that is, so m1 plus m2 is equal to 0.5 kg plus 0.25 kg, that is 0.75 kg. इतना मास आया, लेकिन हमें निकालनी क्या है, इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन आई. फिर अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए. नाउ यहां पे M कितना है, M1 प्लस M2 इंटू ए. तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, दैट इज F बाय M1 plus M2. Now what is F? That is 5 Newton. What is M1 plus M2? That is 0.75 kg. तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 5 into 100. ये 0.75 है तो 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 75. तो ये बन गया आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. 5, अब इसको काटेंगे तो 5 15, दैट इज द 75. 5 × 15 = 20 मीन्स 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर.
दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसका मतलब अगर दो बॉडी को आपस में बांध दिया जाए और उसी पे अगर सेम न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए तो एक्सेलरेशन कितने प्रोड्यूस होगी, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप देख पाएं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर एग्जाम में आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।